बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो एक बच्चे को किस करते नजर आ रहे थे। वीडियो पर टिप्पणी करते हुए लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक गुरु का ये व्यवहार घिनौना है। लोगों की टिप्पणी का विरोध करते हुए तिब्बती समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिसे लेकर धर्म गुरु को मानने वाले लोगों में बड़ा आक्रोश है। मसूरी में तिब्बती युवा एवं महिला कांग्रेस ने तिब्बत के 14वें गुरु दलाई लामा पर दिखाए गलत वीडियो क्लिपिंग का विरोध प्रदर्शन किया। हैप्पी वैली से गांधी चौक तक प्रदर्शन करते हुए तिब्बती समुदाय ने धर्म गुरु दलाई लामा के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर तिब्बती महिला कांग्रेस की सदस्य और शिक्षक किंग जूम ने कहा कि दलाई लामा को बदनाम करने के लिए वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने एक मीडिया चैनल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से इसे दिखाया गया है और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भविष्य में इस तरह की क्लिप तब तक नहीं दिखाई जानी चाहिए जब तक पूरी सत्यता साबित ना हो जाए। इस पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरा नाम तेंजिन है, मैं तिब्बतन रीजनल तिब्बतन वुमेन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आज का जो पूरा प्रोटेस्ट मार्च है वो किस विषय पे है और क्या मांग कर रहे हैं आप? विषय तो जैसे पहले भी बताया उन्होंने, वो है कि एक छोटा सा एक क्लिप वायरल हुआ है जो बिल्कुल बेसलेस है ना। उसका जैसे कंप्लीट वीडियो जो है उन्होंने क्या किया है कि उनको एडिट करके जो मतलब बना के ऐसे ऐसे करके दर्शाया कि उन्होंने कुछ गलत कर रहा है। ये उन मीडिया वालों के लिए है जिसने हमारे दलाई लामा जी का नाम उछाला है, कंधे तरह से उछाला है। जो एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, जब भी कोई जर्नलिज्म होता है, कुछ भी वीडियो क्लिप डाउन कुछ भी आप न्यूज़ में दिखाते हो तो पहले आपको एक बार चेक करना चाहिए कि वो पूरा फुल वीडियो दिखाना चाहिए। तो NDTV है और ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने आधा क्लिप दिखाया और हमारे दलाई लामा जी का नाम उछाला है, जिसके अगेंस्ट हम सब टिबेटन आज इस मुकाम पे आए हैं कि हम पीसफुल मार्च के थ्रू उनको बता रहे हैं कि कुछ भी आप अगर आप आगे से कुछ भी आप डालते हो उसका एक वैलिड आपको वेरीफाई करना चाहिए कि किस सोर्स से आया है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।